नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरीज की सीरीज में आज लेकर के आया हूँ एक छोटी सी कहानी पुराने जमाने की इच्छा पूर्ति पेड़ की। पुराने जमाने की बात है, एक इच्छा पूर्ति पेड़ था। हालांकि इस पेड़ के बारे में ज्यादा जानकारी किसी को भी नहीं थी कि यह पेड़ एक ऐसे जंगल के बीच में था जहाँ सूरज की किरणें भी बहुत मुश्किल से पहुंचती थी। एक बार की बात है, एक कलाकार कहीं से लौटता हुआ वापस अपने घर की तरफ जा रहा था और वो उस जंगल से गुजरता है और अचानक वो रास्ता भूल जाता है और चलते चलते वो उस इच्छा पूर्ति पेड़ के पास पहुंचता है और संयोग से वहीं रुक जाता है। अब वहां रुक करके सोचता है कि अब यहाँ पे रुक करके मैं थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। वो अपने साथ में लाया हुआ खाना वहां बैठ के खाता है और खाना खाने के बाद में विश्राम करने की नीयत से वहीं लेट जाता है। लेकिन उसकी गहरी नींद लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो काफी अंधेरा हो चुका था। वो सोचता है कि अब इस अंधेरे में इस जंगल से पार करना तो बहुत मुश्किल होगा, तो मैं आज रात यहीं रुक जाता हूँ और कल सुबह दोबारा जो है मैं घर की तरफ आगे बढ़ूंगा। लेकिन चूंकि रात हो चुकी थी, उसके साथ का लाया हुआ खाना खत्म हो चुका था और अब उसको बहुत जोर की भूख भी लग रही थी। वो सोचता है कि काश कहीं से बढ़िया खाना मिल जाता तो नींद अच्छी आ जाती। और जैसे ही ये सोचता है, वो उसके सामने ढेर सारे पकवानों से भरा हुआ एक थाली हाजिर हो जाता है। इच्छा पूर्ति पेड़ उसके सामने पकवान से भरी एक थाली ला करके रख देता है। वो ज्यादा कुछ सोचता नहीं है और वो उस खाने का मजा लेने लगता है और जी भर के उस लजीज व्यंजनों को खा करके और तृप्त हो जाता है। जैसे वो खाना खत्म करता है, वो सोचता है कि इतना बढ़िया खाना मिल गया, अब इसके बाद कुछ पीने को मिल जाता तो और मजा आ जाता। और जैसे वो ऐसा सोचता है, उसके सामने एक थाली में शरबत से भरे हुए ग्लास जो है वो हाजिर हो जाते हैं। वो उन शरबत के ग्लास को पीता है और पीने के बाद में बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है और अब उसको नींद आने लगती है। वो सोचता है कि इस जंगल में रात बितानी है तो काश कहीं से एक तकिया मिल जाता तो नींद अच्छी आ जाती। और जैसे ही वो ये सोचता है, उसके सामने एक तकिया हाजिर हो जाता है। वो तकिए को सीट से लगाता है और लेट जाता है। जब वो लेटता है, जब आराम करने के मूड में आता है, तब उसका दिमाग जो है वो काम करना शुरू करता है और तब वो ये सोचता है कि आखिर ये लजीज खाने से भरी हुई थाली, ये शरबत का ग्लास और ये तकिया आखिर जंगल में आए कहाँ से। और सोचते सोचते उसके दिमाग एक नतीजे पर पहुंचता है और ये सोचता है कि ऐसा तो नहीं कि इस जंगल में कोई भूत है जो ला करके ये सारे सामान यहाँ रख दे रहे हैं। और जैसे ही ये सोचता है कि इस जंगल में एक भूत है, उसके सामने एक भयंकर सा भूत आकर दिखता है। भूत को देख करके डर के मारे इसकी हालत खराब हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि ये वही भूत है जिसने मेरे सामने व्यंजन शरबत और तकिए ला करके रखा। उसके बाद वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह भूत मुझे खा जाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही वो इच्छा करता है, जैसे ही वो सोचता है ये भूत मुझे खा जाएगा, तो भूत उसे खा जाता है। दोस्तों, ये कहानी उस कलाकार की या उस लजीज व्यंजन या उस शरबत के ग्लास की नहीं है, उस तकिए की नहीं है, बल्कि ये कहानी है आपकी और हमारी। हमारा दिमाग एक सबसे बड़ा इच्छा पूर्ति पेड़ है। जैसा भी हम चाहते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो चीजें पूरी हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि बारिश हो रही है, कहीं भींग जाएंगे तो तबीयत ना खराब हो जाए, और तबीयत खराब हो जाती है। हम सोचते हैं कि कोई बच्चा चलते हुए गिर ना जाए, और बच्चा गिर जाता है। हम सोचते हैं कोई व्यापार करने से पहले कि ऐसा ना हो कि इस व्यापार में हमें घाटा लग जाए और हमें घाटा लगना शुरू हो जाता है। यानी कि जैसा भी हम सोचते हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल वही चीजें हमारे सामने ला करके हाजिर कर देता है। इसलिए कहते हैं कि जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए, अच्छी बातें सोचिए। जब हम अच्छी बातें सोचेंगे तो हमारे दिमाग का इच्छा क्योंकि पेड़ जो है हमारे लाइफ में वही चीजें ला करके रख देगा, वही चीजें हमारे जिंदगी के साथ मौजूद के चले जाएंगे। इसलिए जितना हो सके बेहतर सोचिए, अच्छा सोचिए, हर वो चीज सोचिए जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, ना कि कुछ ऐसी चीज सोचिए जो आपके जीवन में ढेर सारी नकारात्मक और गलत चीजें लेकर आए। वरना एक दिन ऐसा होगा कि आपके दिमाग का इच्छा पूर्ति पेड़ आपके सामने एक भूत ला देगा और वो भूत आपको खा करके खत्म कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे और जितना हो सके अपने जीवन में सकारात्मक तरीके को अपनाते हुए एक बेहतर सोच के साथ अपनी जिंदगी बनाएंगे। वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगी, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हर कोई अपने जीवन को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाकर के एक बेहतर नतीजे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।